हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। रश्मि फूड हाउस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, ब्रेड कचौरी रेसिपी जो मैंने आलू और ब्रेड से बनाकर तैयार करी है। तो चलिए करते हैं बनाना स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 ये ब्रेड ले ली है। ये देखिए इस तरीके से, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड। अब इस ब्रेड को मैं किसी भी कुकी कटर या किसी ग्लास या कटोरी के माध्यम से इस तरीके से काटूंगी, क्योंकि हमें बनाना है ब्रेड कचौरी। तो इसे हमें गोल शेप में रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमें काट लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ ब्रेड हमारी कटेगी। तो इसी तरीके से हमें सारी काट लेना है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इस तरीके से सारे ब्रेड को गोलाई पे ग्लास के माध्यम से काट लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम यूज कर सकते हैं ब्रेड क्रम या किसी भी पोहे ओहे में बनाकर। तो अब ब्रेड कचौरी में डालने के लिए हमें स्टफिंग तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से इन्हें अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना है। अब हम इस पर डालेंगे एक कटी हुई बारीक प्याज। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, पर मैं कम तेल में बनाकर आपको तैयार करके दिखाऊंगी सिंपल सी स्टफिंग बना के। अब मैं इस पर डाल रही हूँ एक कटा हुआ ये बारीक टमाटर, और मैं इसी पर डाल रही हूँ ये हरी मिर्च। ये देखिए एक हरी मिर्च है। और इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच व्हाइट नमक। मैं अभी इसमें मसाला नमक भी डालूंगी, इसलिए व्हाइट नमक मैंने कम डाला है। मुख्य मसालों पे डालूंगी ये 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, और मैं यहाँ 1 पिंच हल्दी डालूंगी, क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा कच्चापन नहीं आए। और मैं यहाँ पर डालूंगी ये थोड़ा सा 1 पिंच के लगभग साबुत जीरा। डालूंगी ये 1 चम्मच मसाला नमक। मसाला नमक डालने से ये फायदे हैं कि इसे में आपको अलग से चाट मसाला या अमचूर पाउडर नहीं डालना पड़ता है, इसमें सारी चीजें रहती हैं। पर डालूंगी ये बारीक कटी हुई हरी धनिया, ये देखिए। और सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। स्टफिंग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है ब्रेड कचौड़ी बनने के लिए, तो हम इसे रखते हैं साइड पे। अब हमने यहाँ पर जो ये ब्रेड को काटा है गोलाई पे, हमें इसे ले लेना है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए ताकि हमारा जो ये लेप है गाढ़ा रहे, और इसे इस तरीके से मिला लीजिए। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, मैंने अच्छी तरीके से इसे मिला लिया है। और इस लेप को मैं इस ब्रेड के चारों तरफ लगाऊंगी। हम इन्हें थोड़ा थोड़ा इस बेलन की सहायता से इस तरीके से बेल लेते हैं, ये देखिए, ताकि हमारी ये कचौड़ियाँ बनने में बहुत अच्छी लगे। ये देखिए किसी कुछ इस तरीके से हमने बेल लिया है, सारी बेल लेंगे। हमने सारी ब्रेडों को बेल लिया है। अब हम ये कॉर्नफ्लोर का जो हमने घोल तैयार किया है उसे इस तरीके से हम चारों तरफ लगाएंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमें लगाना है। और अब हम इस पर ये स्टफिंग भरेंगे। हमें ज़्यादा ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि ये फ्राई करते समय फट भी सकती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें भर के इसे पैक करना है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमने जो स्टफिंग तैयार किया है इस पर भरेंगे। और दूसरे ब्रेड पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा इसी तरीके से ये कॉर्नफ्लोर का घोल लगा लेंगे, ताकि ब्रेड हमारी दोनों आपस में अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमें एक ब्रेड के ऊपर दूसरे ब्रेड इस तरीके से लगा देना है, और हमें इसके किनारे को इस तरीके से दोनों हाथों की मदद से चिपका लेना है अच्छी तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखिए हमारी ब्रेड कचौरी बिल्कुल भी फ्राई करने के लिए तैयार है। ये देखिए इस तरीके से हम सारी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारी कचौड़ियाँ तैयार कर ली हैं, और ये जो मेरा मसाला बन गया है इससे मैं बेहतरीन सी आलू टिक्की बनाकर तैयार करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने गैस को ऑन कर लिया, और यहाँ पर मैंने छोटी सी कढ़ाई चढ़ा ली है, और मैंने उतना ही तेल डाला है जितने में मेरी ये कचौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी तल के। ज़्यादा हमें तेल एक्स्ट्रा डालने से कोई मतलब नहीं है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इस पर ये ब्रेड कचौड़ियाँ डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, हमें गैस का फ्लेम मीडियम नहीं रखना है, तेज ही रखना है। मीडियम रखने से ये हमारा जो ब्रेड है ये ज़्यादा तेल सोखता है। और इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। ये देखिए अच्छे गोल्डन कलर क्रिस्पी होने तक हमें इन्हें सेंक लेना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ब्रेड कचौरी, मैंने बिल्कुल भी सिंपल तरीके से आपको बताया है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, और मैं इन्हें निकाल लूँगी एक प्लेट पर। तो देखिए फ्रेंड, झटपट से बनकर तैयार है हमारी ये आलू ब्रेड कचौरी। तो हम थोड़ा सा इसे और डेकोरेट कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने दही लिया हुआ है, ये देखिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में दोस्तों, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ,
यहाँ पे मैंने ये नमकीन ली है, इसे भी मैं इस तरीके से इस पर सजा दे रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया, इसे भी मैं इस तरीके से इसके ऊपर सजा दूंगी। ये देखिए, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही आसान सी वीडियो लेकर आती रहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।